पौड़ी जिले में स्थित मां ज्वालपा देवी का महत्व हर नवरात्रि में भक्तों के लिए और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मां ज्वालपा देवी का मंदिर बेहद सुविधाजनक स्थान पर है। मंदिर नयार नदी के तट पर स्थित है, जो एक पौराणिक सिद्ध पीठ भी है, जिसकी महत्ता का बखान स्वयं भक्त करते हैं। मान्यता है कि इस सिद्ध पीठ पर पहुंचने वाले भक्तों की मां भगवती हर मनोकामना पूरी करती है। वहीं ज्वालपा देवी सिद्ध पीठ मंदिर में चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, जिस पर यहां मां की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। भक्त मां की स्तुति में नारे लगाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं आज से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। नवरात्रि का पर्व सभी सभी को सुख देने वाला है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। और तो हम लोग सभी यहाँ पे आए हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेने यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और सभी भक्तों से मैं निवेदन करती हूँ कि माता का आशीर्वाद यहाँ पे लेने आए, माँ ज्वालपा सभी की रक्षा करे और सब पे अपनी कृपा। और मैं यहाँ पर माँ ज्वालपा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप भी माँ ज्वालपा के दर्शन करके मनोकामना पूर्ण करें और माँ भगवती सबको मन इच्छित फल प्रदान करें। माँ भगवती की जय। माँ भगवती, जो भक्त उसके निमित्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा हमारा कामना है। पूजा पाठ यज्ञ और अनुष्ठान होगा और 9 के 9 दिन और नवमी को पूर्ण होगा। ये दैत्यराज पुलाम की लड़की हुई थी सखी, जो इंद्र को प्राप्त थी, उसने यहाँ पर इंद्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर माँ भगवती वह यहाँ ज्वाला रूप में विराजमान हुई। उसकी दोनों मनोकामना भी पूर्ण हुई और उसने जो मांगा था वर कि जो भक्त यहाँ आए उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हों और माँ यहीं सदैव विराजमान रहे, तो उसका परिणाम आप सब जानते हैं कि तंत्र देवी है और जो लोग मन से आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।